पहले देखिए आप ट्रांसलेशन सेक्शन करें शुरू। खोल लिया। लापरवाह लोग जगह जगह कचरा फैलाते हैं। आइए वाक्य को पकड़िए। फैलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट है। लापरवाह लोग जगह जगह कचरा फैलाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये लापरवाह लोग। सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस है द लैक्स पीपल। लैक्स की जगह दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? केयरलेस। लैक्स की जगह क्या यूज कर सकते हो? केयरलेस। लैक्स को भूल जाए तो हमारे पास दूसरा वर्ड भी चाहिए केयरलेस। केयरलेस पीपल क्या करते हैं? कचरा फैलाते हैं। स्कैटर। स्कैटर यानी फैलाना। स्कैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फैलाना। क्या फैलाते हैं? कचरा फैलाते हैं। द लैक्स पीपल स्कैटर कचरा। गार्बेज पहला वर्ड लिया गार्बेज। कहाँ फैलाते हैं? हर जगह एवरीवेयर। कहाँ फैलाते हैं? हर जगह एवरीवेयर। द लैक्स और केयरलेस पीपल स्कैटर फैलाना गार्बेज कचरा। हर जगह फैलाते हैं कचरा। स्कैटर फैलाना। केयरलेस और लैक्स लापरवाह। फिर आगे की लाइन देखिए। कचरे का ढेर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। कचरे का ढेर बड़े आराम से। द पाइल। पाइल यानी ढेर। ऑफ। अब उधर यदि गार्बेज यूज कर लिया तो मैं वर्ड को चेंज करूंगा कचरे का। द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स। इसको भी कचरा ही कहते हैं स्वीपिंग्स। द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स यानी कचरा। पाइल यानी ढेर। द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स कचरे का ढेर पैदा करती है उत्पन्न करती है। द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एनजेंडर्स। एनजेंडर्स पैदा करना। क्या करती है? बहुत सारी बीमारियां। कचरे का ढेर द पाइल ऑफ स्वीपिंग एंजेंडर्स बहुत सारी बीमारियां। न्यूमेरस। न्यूमेरस यानी बहुत सारी। ये भूल जाओ तो टू मैनी लिखोगे। मैनी नहीं लिखोगे बस। टू मैनी। न्यूमेरस। न्यूमेरस या टू मैनी डिजीज। टू मैनी डिजीज बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है। बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। क्या? कचरे का ढेर द पाइल। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आपकी। जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी। द पाइल ऑफ स्वीपिंग एजेंडर्स ट्यूमेरस या टू मेनी डिजीज। सड़े हुए मांस को बूचड़ खाने के बाहर फेंक दिया जाता है। पैसिव का सेंटेंस। सड़ा हुआ मांस को फेंका जाता है। सड़ा हुआ मांस द कैरियन इज फेंका जाता है। डम्ब्ड। द कैरियन इज डम्ब्ड। कैरियन सड़ा हुआ मांस कहाँ फेंका जाता है? बूचड़ खाने के बाद। आउटसाइड। आउटसाइड बड़े आराम से। आउटसाइड बूचर हाउस या स्लॉटर हाउस कुछ भी कह सकते हो। कसाई खाना बूचड़ खाना। कैरियन सड़ा हुआ मांस। सड़ा हुआ मांस कैरियन। बूचर हाउस कसाई खाना। बूचर हाउस कसाई खाना। बूचड़ खाना। द कैरियन इज डम्प्ड। बहुत आराम से। कैरियन सड़ा हुआ मांस फेंका जाता है। इज डम्प्ड। इज डम्प्ड इज डम्ब्ड फेंका जाता है। द कैरियर इज डम्ब्ड आउटसाइड बूचर हाउस। कैरियर सड़ा हुआ मांस डम्ब्ड फेंकना। कहाँ? बूचर खाने के बाहर। आउटसाइड बूचर हाउस। आउटसाइड बूचर हाउस। और आवारा जानवर रोड पर घातक दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। आवारा जानवर बहुत आराम से। जेब्रा
जैसे गाय सांड ये रोड पे घूमते हैं, द स्ट्रे कैटल आवारा जानवर कारण बन जाते हैं, या तो सीधा कोज को ही काम में ले लो, कोज यानी कारण बनना, बी वन को यूज किया, द स्ट्रे कैटल कॉज कारण बन जाते हैं, काहे का घातक दुर्घटना का, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स, फैटल यानी घातक, स्ट्रे यानी आवारा, स्ट्रे यानी आवारा, फैटल यानी घातक, जानलेवा प्राण हर, फैटल फैटल फैटल, कैरियन सड़ा हुआ मांस, द कैरियन इज डम्प्ड आउटसाइड बूचर हाउस, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स, और बेलगाम जानवर राहगीरों को कुचल देते हैं, बेलगाम घूमते फिरते हैं, कल परसों दो सांड लड़ रहे थे, मैं भी लपेटे में आ जाता लेकिन बच गए थोड़े से, लड़ रहे थे बहुत भयंकर, बेलगाम है कोई लगाम ही नहीं है, अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड या ये भूल जाओ तो अनकंट्रोल्ड से भी काम चल जाएगा, अनकंट्रोल्ड बेलगाम, बेलगाम, अनब्राइडल और अनकंट्रोल्ड क्या है, जानवर राहगीरों को कुचल देते हैं, कैटल कुचल देते हैं, कोई सा वर्ड उठा लाओ, क्रश ट्रैम्पल को ले लो, बी वन ट्रैम्पल, ट्रैम्पल यानी कुचल, अनब्राइडल और अनकंट्रोल कैटल ट्रैम्पल किसको कुचल देते हैं, राहगीरों को, द पासर्स बाय, बहुत अच्छे से तैयार कर लो, पासर्स बाय राहगीर, मैं कल की और आज की रिकॉर्डिंग आज भेज दूंगा, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, 2 ढाई मिनट की वो, 2 ढाई मिनट की ये, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाएगी दोनों की, जिससे आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। लैक्स लापरवाह, स्कैटर फैलाना या बिखेरना, गारबेज कचरा, पाइल ढेर, स्वीपिंग्स भी कचरा गारबेज का सिमिलर वर्ड है, एंजेंडर पैदा करना या उत्पन्न करना, ट्यूमेरस टू मैनी बहुत सारे, ट्यूमेरस टू मैनी बहुत सारे, कैरियन सड़ा हुआ मांस, डंप फेंकना, बूचर हाउस कसाई खाना, स्ट्रे कैटल आवारा जानवर, फैटल एक्सीडेंट्स जानलेवा या घातक दुर्घटना, अनब्राइडल्ड और अनकंट्रोल्ड कैटल, अनियंत्रित या बेलगाम मवेशी, ट्रैम्पल कुचलना, पासर्स बाय राहगीर, लैक्स और केयरलेस पीपल, स्कैटर गार्बेज, स्कैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लैक्स और केयरलेस हमारा कर्ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एंजेंडर्स ट्यूमेरस और टू मेनी डिजीज, एंड एंजेंडर्स वर्ब की पांचवी फॉर्म, स्कैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द कैरियन इज डम्प्ड आउटसाइड बूचर हाउस, पैसिव का सेंटेंस है, सड़ा हुआ मांस फेंका जाता है कसाई खाने के बाहर, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट, आवारा जानवर बनते हैं घातक दुर्घटनाओं के कारण, अनब्राइडल्ड और अनकंट्रोल बेलगाम यानी लगाम खत्म हो गई, ब्राइडल कहते हैं लगाम को, अन करती बेलगाम, अनियंत्रित कुछ भी कह लो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, बेलगाम या अनियंत्रित जानवर टेम्पल कुचल देते हैं, कुचल देते हैं द पासर्स बाय राहगीरों को, वर्ब को देखो, स्कैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव का सेंटेंस, एंजेंडर वर्ब की पांचवी फॉर्म, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट, इज डम्ड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट, कोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव का सेंटेंस, टेम्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी दिया गया पूरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, चाहे वो एक्टिव में लिखे चाहे वो पैसिव में लिखे, एक बार कहानी को सुन लो, द लैक्स और केयरलेस पीपल, स्कैटर्स गार्बेज एवरीवेयर, द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एंजेंडर्स न्यूमेरस या टू मेनी डिजीज, यहाँ पर जो वर्ब आएगी पाइल के अकॉर्डिंग आएगी, पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एंजेंडर्स न्यूमेरस और टू मेनी डिजीज,
द कैरियन इज डम्ड आउटसाइड बूचर हाउस, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट, अनब्राइडल और अनकंट्रोल कैटल ट्रैम्पल द पासर्स बाय। अनब्राइडल अनकंट्रोल बहुत जगह काम आएगा, बेलगाम। फैटल का मतलब जानलेवा, आपका वो वार हो सकता है, इंजरी हो सकती है, किसी ने आप पर सरिये से वार किया है तो वो फैटल है। स्ट्रे आपके रोड पर फिरने वाले जानवर स्ट्रे हैं, कुत्ते हो सकते हैं स्ट्रे, रोड पर काट जाते हैं रात को, स्ट्रे डॉग्स हैं वो। स्ट्रे कैटल गाय बछड़ा बैल जो छोड़ देते हैं लोग बाग, स्ट्रे कैटल हो गए। और आपका अनकंट्रोल और अनब्राइडल कैटल बेलगाम हो गया। तो द लैक्स और केयरलेस पीपल स्कैटर गार्बेज एवरीवेयर, द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एंड जेंडर्स न्यूमेरस और टू मैनी डिजीज, द कैरियन इज डम्ड आउटसाइड बूचर हाउस, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स, अनब्राइडल एंड अनकंट्रोल कैटल ट्रैम्पल द पासर्स बाय। क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर। चलो आगे एक बार पढ़ो देवाश, इसको आगे चले फिर। ट्यूबेरस कैरियन कैरियन फैटल एक्सीडेंट्स टेम्पल द पासर्स बाय। टेम्पल यानी कुचल देना, रोक देना। अब हमने इसको जोड़ा स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छ भारत, हाँ यस, कचरे का ढेर बहुत सारी दुर्गंध देता है। अब कचरे का ढेर बहुत सारी दुर्गंध देता है, इधर लिख लेते हैं फिर मिटाते हैं साथ ही। कचरे का ढेर, अब उधर अपन ने पाइल यूज कर लिया तो इधर वर्ड को चेंज करेंगे, यही वॉकैप का फायदा है। द स्टैक ऑफ, स्टैक यानी ढेर, स्टैक ऑफ फिर कचरे के लिए कुछ ना कुछ दूसरा वर्ड, स्वीपिंग्स हो गया, उधर गार्बेज हो गया। अब लेते हैं अपन और ये रेखा जी, रबिश, रबिश भी कचरा होता है, रबिश। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, दुर्गंध देना स्टिंक, स्टिंक्स यानी दुर्गंध देना। अभी बारिश के दिनों में ऐसा होता है, दुर्गंध देना, नाली है, कचरा है, रबिश यानी कचरा। स्टिंग्स कैसे देता है, बहुत बुरी दुर्गंध, वेरी बैडली। यदि आपके पास प्रॉपर वॉकैप का चैनल है, आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता। और राहगीरों को परेशान करता है, राहगीर बेचारे मुंह पे कुछ रख के फिर निकलते हैं, एंड परेशान करता है। वैक्स, वैक्स यानी परेशान करना, परेशान करना। वैक्स द पासर्स बाय, पासर्स बाय, बस राहगीर। पूरा जो आपका सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा गया है। पूरा पैराग्राफ आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आया है। द स्टैक ऑफ रबिश स्टिंक्स वेरी बैडली एंड वैक्स, वैक्स द पासर्स बाय। इसको भी V5 में लिखो, क्योंकि स्टैक के अकॉर्डिंग तो आया है, तो इसको वैक्सेस करना पड़ेगा आपको। वैक्सेस यानी परेशान करना, V5 में आएगा, ये V5 में परेशान करना। और इसकी स्पेलिंग में भी परेशान हो जाओ तो दूसरा वर्ड लिख दो, पेस्टर, पेस्टर्स यानी परेशान करना। ये स्वच्छ भारत अभियान पे बनाया है अपने, स्वच्छ भारत अभियान की थीम है ये। यदि स्वच्छ भारत अभियान पे अपना पैरा लिखने को आ जाए तो आपको क्या क्या सोचना है, क्या क्या वॉकैप चाहिए। अब आप सोचो, स्वच्छ भारत अभियान की वॉकैप की जरूरत ही पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास एक बार ही पाइल को 3 बार लिख दोगे, वो उसको परेशानी होगी। द लैक्स और केयरलेस पीपल स्कैटर गार्बेज एवरीवेयर, द पाइल ऑफ स्वीपिंग्स एंड जेंडर न्यूमेरस टू मेनी डिजीज, द कैरियन इज डम्ड आउटसाइड बूचर हाउस, द स्ट्रे कैटल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स, अनब्राइडल और अनकंट्रोल्ड कैटल ट्रैम्पल द पासर्स बाय, ट्रैम्पल द पासर्स बाय। स्टैक ऑफ रबिश स्टिंक्स वेरी बैडली एंड पेस्टर्स द पासर्स बाय। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने स्वच्छ भारत अभियान का बेस बनाया है। एक बार और आगे चलते हैं, ये हमारा बेस है, आगे का देखो। आगे इसने कहा, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान एक महाअभियान है, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान एक महाअभियान है, स्वच्छ भारत अभियान एक महाअभियान है इसलिए। आगे बढ़ाओ कहानी को।
कौन से वाला? द स्टैक, स्टैक यानी ढेर, स्टैक ऑफ रबिश स्टिंक्स वेरी बैडली, स्टिंक्स का मतलब दुर्गंध देना। आगे चलो, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान एक महाअभियान है। सो बड़े आराम से, क्लीन इंडिया, सो क्लीन इंडिया मूवमेंट, सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए एक बहुत बड़ा अभियान है, एक महाअभियान है, इज ए मैसिव कैंपेन। मैसिव को भूल जाओ तो बिग भी लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। मैसिव कैंपेन बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव और बिग कैंपेन। समझदार और पढ़े लिखे लोग इस धर्म युद्ध का साथ दे रहे हैं। इंपोर्टेंट कर लेना, मूवमेंट और कैंपेन अभियान को कहते हैं। मैसिव यानी बहुत बड़ा। आगे की कहानी देखो, इसलिए सॉरी, समझदार और पढ़े लिखे लोग इस धर्म युद्ध का साथ दे रहे हैं। भाई कचरा नहीं फैलाना, अपने बच्चों को भी कहते हैं भाई कुरकुरे और चिप्स के जो रैपर हैं डस्टबिन में डालो। कई लोग तो बेचारे, मैंने देखा है, मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, लोग रोड से उठा लेते हैं। ऐसे भी लोग, अच्छा लगता है उनको देख के, दो चार थैली हम भी उठा लेते हैं कि यार ये उठा रहे तो हम क्यों नहीं उठा रहे। तो ये क्या कह रहा है? समझदार और पढ़े लिखे लोग, बुलाओ समझदार लोगों को, समझदार लोगों को बुलाओ, द सेन एंड लिटरेट पीपल। हाँ, लेकिन सेन यानी समझदार, लिटरेट, लिटरेट पीपल दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर, आर आ गया। बोले सर साथ देने को क्या बोलेंगे, अटक गई गाड़ी। साथ दे रहे हैं, फ्रेजल वर्ब को बुलाओ, स्टैंडिंग बाय। लिखने लिखते सब प्रैक्टिस आ जाएगी, बस लिखते रहो, चिंता मत करो। स्टैंडिंग बाय, ऐसी खतरनाक अंग्रेजी हो जाएगी जो आपको टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। द सेन एंड लिटरल पीपल आर स्टैंडिंग बाय, किसका साथ दे रहे हैं? इस धर्म युद्ध का। इस अच्छे काम के लिए कोई भी आपका वर्क होता है वो धर्म युद्ध कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रूसेड। इंपोर्टेंट कर लेना, हिंदी में भी इंपोर्टेंट कर लेना, इंग्लिश में भी इंपोर्टेंट कर लेना। क्रूसेड, CRUSADE। सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव कैंपेन, द सेन एंड लिटिल पीपल आर स्टैंडिंग बाय दिस क्रूसेड। दिस क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। कल आपने रक्षक किया था, बुलवर्क, आज आप कर रहे हो धर्म युद्ध, स्टैंड बाय साथ देना। सेन का मतलब समझदार। बहुत अच्छे से लिखते चलो, डरो मत, लिखते लिखते आप इतने पारंगत हो जाओगे कि समझ भी नहीं आएगा अंग्रेजी कब इंप्रूव हो गई। सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव कैंपेन, कैंपेन में बोलने में जी नहीं आएगा। द सेन एंड लिटरल पीपल आर स्टैंडिंग बाय, स्टैंडिंग बाय दिस क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध, स्टैंड बाय का मतलब साथ देना, सेन का मतलब समझदार, लिटरेट आप जानते हो शिक्षित को कहते हैं। आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। फिर क्या हुआ? गंदगी का ढेर विदेशों में बुरा प्रभाव छोड़ता है। फिर ढेर आ गया, द हीप ऑफ, देखो गंदगी कितनी बार आ गई, द हीप ऑफ, अब फिर चेंज फिल्थ, मैंने एक भी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं किया है, गंदगी। हीप यानी ढेर, कभी कभी आते तो बाहर होता है ना, साफ करते तो बाहर हो ही जाता है। द हीप ऑफ फिल्थ क्या करता है? बुरा प्रभाव छोड़ता है, गंदा प्रभाव छोड़ता है। कहाँ? विदेशों में। इस यहां पर एक बुरा प्रभाव छोड़ने के लिए फ्रेज बुलाओ, कट्स ए सॉरी फिगर, कट्स ए सॉरी फिगर, बुरा प्रभाव छोड़ना। कहाँ छोड़ता है? विदेशों में, इन फॉरेन, विदेश में, फॉरेन कंट्रीज ही कर दो, विदेशियों में, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में बुरा प्रभाव छोड़ता है। वो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, बोले कितना गंदा देश है ये। कट से सॉरी फिगर, कट से सॉरी फिगर, बुरा प्रभाव छोड़ना, कट से सॉरी फिगर, अच्छा प्रभाव छोड़ना, कट ए
कौन सा, बोल्ड फिगर, सॉरी यदि बुरा प्रभाव छोड़ना, कट से सॉरी फिगर और कट से ये फिगर। कचरे का ढेर बढ़ते पर्यटन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कचरे का ढेर बढ़ते पर्यटन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। हीप हो गया, स्टैक हो गया ढेर के लिए, और कौन सा वर्ड है याद ही नहीं आ रहा। स्टैक को ले लो, फिर ले लो द पाइल ऑफ, द पाइल ऑफ गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, ट्रैश, कचरे का फिर एक नया नाम लो, ट्रैश, ट्रैश यानी कचरा, गंदगी। द पाइल ऑफ ट्रैश क्या करता है ये, पर्यटन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। द पाइल ऑफ ट्रैश इज लॉयर इन द पाथ, जो मैंने आपको करवाई थी, लॉयर इन द पाथ, लॉयर इन द पाथ रास्ते की सबसे बड़ी बाधा। द पाइल ऑफ ट्रैश इज लॉयर इन द पाथ, काहे के लिए, बढ़ते पर्यटन के लिए, पर्यटक काहे को आएंगे गंदगी में, जब इधर रामनिवास गार्डन के चारों तरफ गंदगी। फोर सॉरिंग टेररिज्म, सॉरी सॉरिंग टूरिस्ट टूरिज्म, सॉरिंग टूरिज्म, बढ़ते पर्यटन में काहे को आएंगे गंदगी, जब सब तरफ फिल्दी फिल्द है, पानी भर जाता है, तो पर्यटक काहे को आएंगे। द पाइल ऑफ ट्रैश इज लॉयर इन द पाथ, लॉयर इन द पाथ फॉर सॉरिंग टूरिज्म, सबसे बड़ी बाधा है कचरे के लिए। हरा भरा बाग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, अच्छा लगता है सबको। लश गार्डन, लश गार्डन इज आकर्षण का केंद्र को कहते हैं पैनोरामा, पैनोरामा। और पीपल, लिखते चलो, इस चीज की परवाह मत करना, क्या है, लिखते चलो, सब आ जाएगा। पैनोरामा जो अच्छा दिखे, नारगढ़ की पहाड़ियों से अच्छा दिखता है, पैनोरामा फॉर पीपल। और लास्ट का, एक झिलमिल नदी रिमझिम बारिश में पर्यटकों को शीशे में उतार देती है, यानी मंत्रमुग्ध कर देती है। बड़े आराम से देखो, वॉक कैब कितनी प्यारी चल रही है, समझते चलो, कुछ नहीं करना है, सब आ जाएगा ही। आप सोचो कुछ बहुत बड़ी बात है, झिलमिल करती हुई नदी, सबको अपन भी जाते थे पिकनिक पे, जाते हैं गंदी जगह कौन जाएगा, अच्छी जगह जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि अच्छी लगती है। शिवरिंग रिवर झिलमिलाती नदी पर्यटकों को शीशे में उतार लेती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। मैस्मराइज, मैस्मराइजेस यानी शीशे में उतारना, मंत्रमुग्ध करना, लट्टू कर लेना, अच्छा वर्ड है, शीशे में उतारना। ये शिवलिंग में मैस्मराइज क्या, पर्यटकों को, द टूरिस्ट, सबको ही, पर्यटकों अपन को भी अच्छी लगती है। टूरिस्ट इन कब, रिमझिम बारिश में, ड्रीजल और बीजल। देखिए क्या प्यारा सेट बना है, अपने आप ही आपका राइटिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी तैयार हो जाएगी, आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, इस पैटर्न से डबल बेनिफिट है, और आपको कंटेंट को जबल करना आ जाएगा। अब जिंदगी में कभी कुछ लिखा ही नहीं, तो लिखना कोई ऐसे कोई चमत्कार थोड़ी होगा। लाइफ में दो सेंटेंस कभी नहीं लिखे, आप अपने दो पैराग्राफ लिखे, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अपने आप बढ़ेगा ये तो। हाँ ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसको ये कहते हैं। अरे प्रैक्टिस से तो बड़ी बड़ी चीजें क्लियर हो जाती है, तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन जिंदगी में करवाए कौन, सबको डर लगता है लिखवाते हुए, लिखवाने से डरती है दुनिया। फोटोकॉपी कर लो, ये उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है, सही लिखाओ ना, हमारी तरह लिखाने से क्यों, लिखाने भी जोर आता है, क्योंकि डर लगता है कि अब वो कैब आ गई तो, अब वो कैब आ गई तो क्या जवाब देंगे, कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे। लिखो खूब लिखो, तो मैंने कचरे के कितने चार वर्ड बता दिए। सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव कैंपेन, द सेन एंड लिटरेल पीपल आर स्टैंडिंग बाय दिस क्रूसेड, द हीप ऑफ फिल्थ कट से सॉरी फिगर इन फॉरेन कंट्रीज, द पाइल ऑफ ट्रैश इज लॉयर इन द पाथ फॉर सॉरिंग टूरिज्म, लश गार्डन इज पैनोरामा फॉर पीपल, पैनोरामा फॉर पीपल, द शिमरिंग रिवर मैस्मराइज द टूरिस्ट इन डीजल और बीजल। सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव और बिग कैंपेन, द सेन एंड लिटरेल पीपल आर स्टैंडिंग बाय दिस क्रूसेड, द हीप ऑफ फिल्थ कट से सॉरी फिगर इन फॉरेन कंट्रीज,
द पाइल ऑफ ट्रैश इज लाइनिंग द पाथ फॉर सोरिंग टूरिज्म, लश गार्डन इज पैनोरमा, पैनोरमा फॉर पीपल, पैनोरमा आकर्षण का केंद्र, जहाँ से कोई दृश्य आपको बहुत अच्छा लगता है वो पैनोरमा, जैसे आप लोग या हम लोग या कोई भी सेल्फी लेते हैं तो एक बैकग्राउंड देखते हैं ना, क्या है वो पैनोरमा ही तो है। हम नाहरगढ़ की पहाड़ी से जयपुर को देखेंगे तो जयपुर सुंदर दिखता है ना, वो कैसा है पैनोरमा। सोरिंग टूरिज्म, बढ़ता हुआ पर्यटन, लॉयड इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन, ट्रैश कचरा, कट से सॉरी फिगर, बुरा प्रभाव छोड़ना। अब जैसे कल पेपर हुआ जिसका, हो सकता है किसी का पेपर बिगड़ गया हो तो कट से सॉरी फिगर, स्टैंडिंग बाय, साथ देना, साथ देना, साथ देना, आपका कैंपेन अभियान, इस शिबरी रिवर बहुत साफ पानी वाले दिन झिलमिल करती हुई, जैसे फॉरेन कंट्रीज भी होती है, अपने यहाँ तो गंदी करने का रिवाज है, फॉरेन कंट्रीज की आप नदियों को देख बड़ी शिबरिंग होती है, एकदम साफ, चाहे चेहरा देख लो, मैस्मराइजे, शीशे में उतारती है, मंत्रमुग्ध करती है, मोहित करती है, द टूरिस्ट डीजल और बीजल, रिमझिम बारिश में आपके बूंदाबांदी में डीजल और बीजल में आपको ये जो है वो करती है, पढ़ना एक बार देवांश, लश गार्डन, यस, मैस्मराइजेस, सो क्लीन इंडिया मूवमेंट इज ए मैसिव कैंपेन, द सेन एंड लिटरेट पीपल आर स्टैंडिंग बाय दिस क्रूसेड, समझदार और पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंड बाय कर रहे हैं, किसको स्टैंड बाय कर रहे हैं, इस क्रूसेड को, इस धर्म युद्ध को, इस क्रूसेड को स्टैंड बाय कौन कर रहे हैं, सेन और लिटरेट पीपल, द हीप ऑफ फेथ कट से सॉरी फिगर इन फॉरेन कंट्रीज, द पाइल ऑफ ट्रैश इज लॉयड इन द पाथ फॉर सोरिंग टूरिज्म, लश गार्डन इज पैनोरमा फॉर पीपल, हरे भरे बाग भी जाना पसंद करेगा इंसान, हरे भरे बाग भी बैठना पसंद करेगा इंसान, क्यों, क्योंकि वो पैनोरमा है, वो आपके सुंदर दृश्य है। और फिर लास्ट में हमने एक और चीज कनेक्ट की, एक शिमरिंग रिवर, एक साफ नदी, झिलमिल करती हुई नदी, साफ पानी की नदी, मैस्मराइज, शीशे में उतार लेती है द टूरिस्ट डीजल और बीजल। अब जब बारिश का मौसम आएगा हम भी प्लानिंग करते हैं कि पिकनिक के लिए कहाँ जाए, तो जहाँ जिस पॉन्ड में, जिस रेजरवॉयर में, जिस नदी में ज्यादा पानी होगा, ज्यादा क्लीन पानी होगा, हम वहां जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं, हमें वहाँ पानी के बीच में जाके नहीं बैठना, लेकिन पानी के किनारे पे तो अच्छा लगता है ना, वो कब अच्छा लगता है, व्हेन दैट रिवर इज शिमरिंग, क्लियर पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, कल जो हमने सेंटेंसेस छोड़े थे उन्हीं पर आ जाइए, कल हमने दो सेंटेंसेस कर लिए थे, तीसरे पर आइए। नकली शराब सहित एक जर्जर ट्रक को 4 दिन पहले जब्त कर लिया गया था, किसने जब्त किया, सेंटेंस नहीं बता रहा, नहीं बता रहा है, तभी हम पैसे में जाएंगे, और अब चाहते भी आज सेंटेंस कुछ ना बताए, क्योंकि इसी से हमारी पैसे पर बहुत जबरदस्त कमांड होने वाला है। वो साफ साफ कह रहा है कि आज मैं नहीं बताऊंगा कि कर्ता कौन है, आज जिस पर काम हुआ उसको पकड़ लो आप। नकली शराब सहित एक जर्जर ट्रक, नकली शराब सहित एक जर्जर ट्रक है वो पकड़ा गया। ए वॉन्की ट्रक, वॉन्की यदि जर्जर, वॉन्की ट्रक किसके साथ, शराब भी नकली थी, विथ हूच, हूच यानी नकली शराब, हूच वॉन्की ट्रक, ये जर्जर हो गया, ये आपकी फैब नकली शराब हो गई, एथिन अल्कोहल नकली शराब, हैड बीन जब्त करना सीज्ड भी हो सकता है, जब्त करना सीज्ड होता है, अच्छा वर्ड कर लो जो पुलिस वाले करते हैं, इम्पाउंडेड, अच्छा वर्ड भी ले लो, इम्पाउंडेड जब्त करना, ए वॉन्की ट्रक विथ हूच हैड बीन सीज्ड और इम्पाउंडेड, जब्त कर लिया गया था 4 दिन पहले, बिफोर 4 डेज, ये बिफोर क्या आ गया तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बिफोर 4 डेज, हैड बीन पैसिव में जा रहे हो आप, फिर क्या हुआ, शराबी ड्राइवर होशियारी और सावधानी से घटनास्थल से फरार हो गया था, शराबी ड्राइवर, बूजर, बूजर जानबूझ के, बूजर ड्राइवर, बूजर ड्राइवर हैड, इसको एक्टिव में ले आए, हैड, फ्लैड, फ्लैड के बाद कुछ नहीं आएगा, फ्रॉम और अवे नहीं लगाना है, फ्रॉम और अवे नहीं लगाना है, फ्लैड स्पोर्ट, फ्लैड
फ्लैड फ्रॉम नहीं आएगा, फ्लैड अवे नहीं आएगा, फ्लैड स्पोर्ट। कैसे? होशियारी से और सावधानी से। पहले होशियारी को एडवर्ब बनाओ, प्रूडेंटली, फिर सावधानी से अदरक को याद करो, अदरक को जिंजर कहते हैं, जिंजर में एलवाई लगा दो, जिंजरली। या ये वर्ड भूल जाओ तो आपका जो पहले वाला वर्ड है वो तो है ही, केयरफुली। बहुत अच्छा सेंटेंस, मैथमेटिक्स की तरह समझ लो क्या कहना चाहता है आपसे। जिंजरली, होशियारी से, केयरफुल, सावधानी से, केयरफुली भी सावधानी से। ग्रामर की लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं? ग्रामर की लैंग्वेज में एलवाई वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। इनको कौन बुलाता है? वर्ब बुलाती है। ये वर्ब के मेहमान हैं, ये नहीं भी होते तो भी सेंटेंस बन जाता। ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन ने बुलाया, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन ने बुलाया। बूजर ड्राइवर, आपका नकली ड्राइवर, एवोंकी ट्रक विथ हुच हैड बी सीज्ड और इम्पाउंडेड बिफोर 4 डेज, द बूजर ड्राइवर हैड। फिर एक्टिव में आगे फ्लैड स्पोर्ट, फ्रॉम नहीं आएगा, अवे नहीं आएगा, प्रूडेंटली या जिंजरली या केयरफुली। हुच इज नकली शराब, वॉन्की जर्जर, इम्पाउंड या सीज जब्त करना, बूजर शराबी, जिंजरली सावधानी से, फ्लैड के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर? चले आगे। ज्ञान की कमी के कारण एक गंभीर केस को बिगाड़ दिया गया था। किसने बिगाड़ा? डॉक्टर शर्मा ने, डॉक्टर वर्मा ने, या एडवोकेट शर्मा ने, एडवोकेट चौधरी ने? ये हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। अब गंभीर केस था, वो फिजिकल था कि ये था पता नहीं है। एक गंभीर केस को बिगाड़ दिया गया था। सेंटेंस नंबर 4 पे आइए। ए ग्रेव, ग्रेव यानी गंभीर, ग्रेव केस, गंभीर। हैड बीन, पैसिव में जा रहे हैं आप, हैड बीन। केस वगैरह चाहे फिजिकल हो चाहे आपका, ये वो हैड बीन, बॉस्ट, वकील बिगाड़ेगा तो बॉच, लॉयर बिगाड़ेगा तो बॉच। ए ग्रेव केस हैड बीन बॉस्ट, काय के कारण बजरे दे दो, ज्ञान की कमी थी साहब, डॉक्टर भी अनाड़ी, वकील भी अनाड़ी, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ यानी कमी होना, लैक ऑफ नॉलेज। लिखते लिखते आपका हाथ खुद ही फाइंड हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ए ग्रेव केस हैड बीन बॉस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण। फिर क्या हुआ? ये कहावत समय की कसौटी पर खरी उतरती है। दिस प्रॉबर्ब, कल वाली कहानी, दिस प्रॉबर्ब, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए, होल्स वाटर, होल्स वाटर, खरा उतरना। उतरना प्रॉबर्ब यानी कहावत। ये कहावत समय की कसौटी, दिस प्रॉबर्ब होल्ड्स वाटर, कहाँ? समय की कसौटी पर, एट टच स्टोन ऑफ टाइम, एट टच स्टोन ऑफ टाइम। क्या क्या कहावत उतरती है? दैट अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिस में कम पानी होगा वो छलकेगी ज्यादा। अधजल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वैसल, इसको लिख लेना, किसी भी ऐसे भी यूज कर लेना, एम्प्टी वैसल, वैसलेरी बर्तन, साउंड मच, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अपने आप को शो करता है। वैसल का मतलब बर्तन, एम्प्टी यानी खाली या कम भरा हुआ, साउंड मच यानी ज्यादा आवाज करना, एम्प्टी वैसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए। इस आदमी को 2, 4, 10 वर्ड आते होंगे, वो शो करेगा मेरे को बहुत अच्छा आता है, इसको अच्छा आता है, वो शो नहीं करेगा।
एक कांस्टेबल ज्यादा उछलेगा बजाय आईपीएस के। आईपीएस को क्या उछल रहा है, उसको पता है क्या मेरा रुतबा है, क्या मेरी पोस्ट है। ए ग्रेव केस हैड बीन बॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। दिस प्रॉबर्म होल्ड्स वाटर ए टच स्टोन ऑफ टाइम दैट एम्प्टी वैसल साउंड मच, एम्प्टी वैसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए। यानी जो होगी वो आपकी ज्यादा आवाज करेगी, अधजल गगरी छलकत जाए। ए ग्रेव केस हैड बीन बॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। दिस प्रॉबर्म होल्ड्स वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम दैट एम्प्टी वैसल साउंड मच। बॉस्ट यानी बिगाड़ना, कोई भी केस, कोई भी काम, कोई भी आपका 302 का केस बॉस्ट कर दिया। ग्रेव का मतलब गंभीर। प्रॉबर्म कावत होल्ड वाटर खरा उतरना, एम्प्टी वैसल साउंड मच। क्लियर, चले आगे। 3 तलाक जैसे जंगली कानून को रद्द कर दिया गया था, किसने किया था? सेंटेंस नहीं बता रहा, नहीं बता रहा है तो चलो पैसे में हमारे क्या, लेकिन साथ की पैसे में वो भी हमारे पास एक प्रतिबंध है। 3 तलाक जैसे जंगली कानून को रद्द कर दिया गया था। जंगली कानून, द बारबरिक कल वाला वर्ड, बारबरिक लॉ, कैसा? लाइक ट्रिपल तलाक, लाइक ट्रिपल तलाक। हैड बीन कानून था, हैड बीन करो रद्द, रद्द करने के लिए मैंने आपको वर्ड बता रखा है एब्रोगेटेड। कानून को रद्द करना हमेशा एब्रोगेट आएगा। बारबरिक बर्बर या जंगली। द बारबरिक लॉ लाइक ट्रिपल तलाक हैड बीन एब्रोगेटेड। और वास्तव में मुस्लिम महिलाओं ने अग्नि परीक्षा का सामना किया था। वास्तव को बोलते हैं फॉर रियल। द मुस्लिम विमेन, हैड फेस्ड अग्नि परीक्षा। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, हर ऐसे में उतरेगा ये। ऑर्डियल भी कह सकते हैं और लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं। अग्नि परीक्षा, ऑर्डियल और लिटमस टेस्ट, जैसा हमने भी सामना किया था कोरोना के दौरान। कोरोना के दौरान हर इंसान ऑर्डियल और लिटमस टेस्ट से गुजरा था। अग्नि परीक्षा बहुत ही कठिन समय, बहुत ही तकलीफ का समय। बंटवारे में भी ये हुआ था। अब मुस्लिम महिला का क्या था, एक इंसान ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, उसकी लाइफ बर्बाद। बहुत अच्छे से समझिए, द बारबरिक लॉ लाइक ट्रिपल तलाक हैड बीन एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड फॉर रियल द मुस्लिम वेमेन हैड फेस्ड ऑडियल या लिटमस टेस्ट। फॉर रियल द मुस्लिम वेमेन हैड फेस्ड ऑडियल या लिटमस टेस्ट, अग्नि परीक्षा। पैसिव में चल रहे हैं आप, दूसरे में एक्टिव में चल रहे हैं आप, लेकिन रूम नंबर 7 को नहीं छोड़ना है आज। आज घूमेंगे रूम नंबर 7 में। एक जंगली बारबरिक, असभ्य क्रूर। आयर कुछ के बाटे की मार दे, बोले जंगली है क्या, तरीका नहीं, कौन सा तरीका है भाई। एक जंगली और क्रूर कानून के नाम पर एक मासूम इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया था। जैसे रोज मर्डर हो रहे, एक मासूम इंसान को बड़े प्यार से सोचते हुए, एन इनोसेंट, इनोसेंट पर्सन, मासूम, क्या दोस्त था उसका। जैसे कल वो पढ़ रहे थे अपन, क्या टैक्सी ड्राइवर को उसका क्या लेना देना था बेचारे का, वो फतवी मांग गया, वही वाली गाली ले लो। एन इनोसेंट पर्सन हैड बीन, अब यहां पर फ्रेज आएगी मौत के घाट उतारने का, कोई वर्ड नहीं है। टेकन टू राइट, टेकन टू राइट, टेक टू राइट का मतलब होता है मौत के घाट उतारना। एक एसीपी था राजवीर सिंह, वो मर रहा था तब अखबार में आई थी, एसीपी राजवीर सिंह वाज टेकन टू राइट।
बोध के घाट उतार दिया। टेक टू राइड, राइड का मतलब घुड़सवारी होती है। एन इनोसेंट पर्सन हैड बीन हैड बीन हैड बीन टेकन टू राइड, टेकन टू राइड किसके नाम पर? जंगली क्रूर कानून के नाम पर, कल वाली वो कैब वापस, इन द नेम ऑफ, इन द नेम, इन द हैड बीन टेकन टू राइड इन द नेम ऑफ, कौन कौन सा कानून है? जंगली और क्रूर, बारबरिक, बारबरिक एंड क्यूरल लॉ, बारबरिक एंड क्यूरल लॉ। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में बिना कानून के न्यायालय का प्रचलन नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री, द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, सॉरी लास्ट में लेंगे। सबसे पहले तो क्या कह रहा है, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में बिना कानून के न्यायालय का प्रचलन नहीं है। बिना कानून का न्यायालय, इंपोर्टेंट कर लेना, पहले मैं आपको शायद आया नहीं आया पता नहीं, कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है बिना कानून का न्यायालय। द कंगारू कोर्ट डज नॉट प्रिवेल प्रिवेल इन इंडिया, प्रिवेल इन इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। कंगारू कोर्ट बिना कोर्ट का, बिना कानून का न्यायालय, इंपोर्टेंट कर लेना कंगारू कोर्ट को। ऐसा कि साहब कोई कहते थे बाबा जी का राज थोड़ी है भाई, ऐसा कुछ भी कर लेगा बिना कानून का न्यायालय। कंगारू कोर्ट, प्रिवेल प्रचलित होना, प्रिवेल प्रचलित होना, बारबरिक कर चुके हैं, क्यूरल कर चुके हैं। एन इनोसेंट पर्सन हैड बीन टेकन टू राइड, टेकन टू राइड इन द नेम ऑफ, बारबरिक एंड क्यूरल लॉ। द कंगारू कोर्ट डज नॉट प्रिवेल इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप हेडविन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आ जाइए, मोटे दहेज के कारण एक शर्मिली दुल्हन को आग लगा दी गई थी, किसने लगाई? पता नहीं, बुलाओ शर्मिली दुल्हन को, आग उसी की लगानी है। ब्लैशिंग, ब्लैशिंग ब्राइड, ब्लैशिंग ब्राइड शर्मिली दुल्हन, हैड बीन सेट ऑन फायर, सेट की तीनों फॉर्म सेट होती हैं। ए ब्लैशिंग ब्राइड हैड बीन सेट ऑन फायर, काहे के कारण? भैया ला मोटा दहेज, ड्यू टू हेफ्टी ब्राइब, ड्यू टू हेफ्टी डावरी, ड्यू टू हेफ्टी डावरी, आराम से धीरे धीरे, ड्यू टू हेफ्टी डाउरी। ए ब्लैशिंग ब्राइड हैड बीन सेट ऑन फायर ड्यू टू हेफ्टी ब्राइब, फिर क्या हुआ? अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उसने अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताया था, नहीं बताया था, अच्छी बात है। शी हैड नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज यानी खुलासा करना, बताना। शी हैड नॉट डिस्क्लोज क्या? अपना दुख दर्द, हर ग्रीफ एंड ग्रीवेंस, हर ग्रीफ एंड ग्रीवेंस, दुख दर्द, टू एनीबडी, टू एनीबडी, एफटी डावरी मोटा दहेज। ए ब्लैशिंग ब्राइट हैड बीन सेट ऑन फायर ड्यू टू हेफ्टी डाउरी, शी हैड नॉट डिस्क्लोज हर ग्रीफ एंड ग्रीवेंस टू एनी बडी,
हर ग्रीफ एंड ग्रीवेंस टू एनी बॉडी, डिस्क्लोज खुलासा करना, हेफ्टी डाउरी मोटा दहेज, सेट ऑन फायर आग लगाना। ए ब्लैशिंग ब्राइड हैड बीन सेट ऑन फायर ड्यू टू हेफ्टी डाउरी, शी हैड नॉट डिस्क्लोज हर ग्रीफ एंड ग्रीवेंस टू एनी बॉडी। टू एनी बॉडी डिस्क्लोज खुलासा करना। हाँ यस, वो बोलती रही थी बेचारी, वो कब बोलती है, अब कब बोलने वाला क्या बनेगा। ड्यू टू कब बोलने वाला, यदि ठीक है यार घुट रहा इंसान, ये तो बग देते हैं। ड्यू टू हर इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट नेचर, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब कम बोलता है, दुख होगा तो बेचारा बर्दाश्त कर लेगा, नहीं बताना किसी को। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी सब कुछ बता देगा, इंट्रोवर्ट कुछ नहीं बताएगा। कहते थे यार बताता तो सही, आत्महत्या करने वाले जो लोग होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, वो कुछ नहीं बताते, वो मर जाते हैं कि यार नहीं बताते, वो नेचर होती है, पार्ट ऑफ नेचर है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर पीने योग्य और साफ पानी की व्यवस्था की गई थी, करवाओ व्यवस्था। पीने योग्य और साफ पानी न पोर्टेबल, कुछ नहीं करना है, लिखते चलो, अपने आप ही आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जहां पता चले तो फिर पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, अपने आप ही। पोर्टेबल एंड सीरीन, सीरीन यानी बिल्कुल साफ साफ, ये किसी की बेच के साथ भी यूज कर सकते हो। पोर्टेबल पीने योग्य, द पोर्टेबल एंड सीरीन वाटर हैड बीन, हैड बीन अरेस्ड, हैड बीन अरेस्ड, कैसी अपन तो वोकैब बनाने में मकसद है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर, बल खाती हुई सड़क है, ऑन जिगजैग रोड, ऑन जिग जैग रोड, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, यहाँ पर पी लो भाई यार, कोई दुख ना पाए, जिग जैग रोड। उधरली लोग कायदे कानून को खुलकर तोड़ रहे थे, बुलाओ उधरली लोगों को, एक्टिव में बुलाओ। द राउडी उदंडी, द राउडी पीपल वर, द राउडी पीपल वर, द राउडी पीपल वर वॉयलेटिंग, वॉयलेटिंग वॉयलेटिंग यानी कानून को तोड़ना, वॉयलेटिंग किसको तोड़ रहे थे, कायदे कानून को, रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, द राउडी पीपल वर वॉयलेटिंग रूल एंड रेगुलेशन। कोई भी रूल आपका वॉयलेट होगा, गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए मताधिकार को खरीदा गया था, खरीदो मताधिकार को, दा मताधिकार, वोट राइट तो होता ही, लिख लो एक बार, कभी हो सकता है स्लिप हो जाए हमारा असली वर्ड, वोट राइट। दूसरा वर्ड लिखो फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज भी मत का मताधिकार होता है, फ्रेंचाइज हैड बीन। हाँ यहाँ पर अब बात अटक गई कि सर मत के अधिकार को क्या वोट और परचेज करेगी क्या, नहीं, कानून को परचेज करेगी क्या, नहीं, जज को परचेज करेगी क्या, नहीं, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा वीदल, VENALED, द वोट राइट और फ्रेंचाइज हैड बीन विनल्ड, हैड बीन विनल्ड, गलत तरीके से, बाय हिट बिलो द बेल्ट, बाय हिट बिलो द बेल्ट, बाय हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से, कानून कौड़ियों के भाव बिकता है, पैसिव में आ गए तो बहुत अच्छे से बना है। लॉ इज सोल्ड, बिकता है, एक्ट एक्ट, डर्ट चीप का मतलब मिट्टी के बोल, मिट्टी के बोल, या कोड़ियों के भाव, कोड़ियों के भाव। पैसिव में सेंटेंस आपका हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रोटेशन ले रही है, बिल्कुल लिखते वक्त आप अपनी ग्रामर की पूरी इज्जत करना सीख लो, जो मार्केट में कोई नहीं सिखाता।
देवांश को देना, बेयर एक्ट, एविडेंस हॉल एक्ट। आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको ये पैसिव का लिख लिया, करें कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट का रिवीजन, करें, तैयार हो मोहित? सेक्शन 6 क्या कहता है ये बताओ आप, सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 क्या कहता है? वैसे ही रोटेशन लूंगा, सर ने कहा है थोड़ा रोटेशन आप लोगे, जीडी करोगे, ताकि बच्चों को एकदम परफेक्शन पे आ जाए, सर पढ़ा देंगे, मैं रोटेशन पे लूंगा, जिससे चीजें ग्रुप मिशन के जरिए आपके ब्लड में भेजना है हमें। बताओ सेक्शन 6 क्या कहता है मोहित, बताओ। एक ही सभ्यवार में होने वाली घटनाएं रेलेवेंट होती है, क्या होता है एक सभ्यवार, समझाओ मेरे को। आपने ये तो कह दिया कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजेक्शन, जो तथ्य विवाद में होते हुए भी किसी विवादक तथ्य उसी प्रकार सशक्त है कि वे एक ही सभ्यवार के भाग्य हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय उस स्थान पर या विभिन्न समय पर घटित हुए हो। समझाओ इसको, आपने तो कह दिया कि एक सभ्यवार के भाग है, क्या कहना चाहती है धारा 6, और क्या कहते हैं इस लोक का नाम क्या है, वैसे इस लोक का नाम क्या है, सिक्स सेक्शन आपको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? इसे जीडी करेंगे रोज 5 एक सेक्शन पर डेली, सर पढ़ा रहे हैं, मैं उसको रोटेशन कराऊंगा, जीडी करेंगे, जिससे आपके ब्लड में चला जाए वो चीज, समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए बताइए क्या कहता है, सेक्शन 6 पढ़ो एक बार, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजेक्शन, पढ़ो इसको, आप कहना क्या चाहता है, करें शुरू, पर बोलूं मैं, आदित्य है आपके पास, बोलूं मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, फैक्ट्स विच डो नॉट इन इश्यू एंड आर सो कनेक्टेड विथ ए फैक्ट, ये ऐसे कनेक्टेड है किसी फैक्ट से, इन इश्यू एज फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, कि जब वो अपराध हुआ तो वो अपराध का वो जो सारे ट्रांजेक्शन हुए, जो वो क्रियाविधि हुई, वो उसी ने अपराध को फ्रेम किया है। क्या कोई भी अपराध होगा वो ऐसे बैठे बैठे हवा में हो जाएगा क्या? मेरे को गोरांश का मर्डर करना है तो मैं बोलूंगा गोरांश मर जा, गोरांश मर जाएगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाकू लाना पड़ेगा, छुरी लानी पड़ेगी, बंदूक लाना पड़ेगा, मुझे जो है गेट खोलना पड़ेगा, मुझे यहां तक आना पड़ेगा, फिर मैं आपका मर्डर करूंगा ना। तो ये आपका मर्डर करने के लिए मुझे जो क्रियाविधि यूज करनी पड़ेगी वो रेजिस्ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रजिस्ट्री कहलाएगा। रजिस्ट्री का मतलब है, जैसे ये शर्ट है, अब ये शर्ट एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, यूं मान लीजिए। क्या ये शर्ट अपने आप ही बन गया क्या? शर्ट बनाने के लिए इसमें धागा भी आया, बटन भी आए, इसकी सिलाई भी हुई, कपड़ा भी आया, ये सब मिलकर ही तो शर्ट बनाना, तो शर्ट तो एक फाइनल उसका वो रिजल्ट है। उसी तरह ऑफेंस जब हुआ, तो वो ऑफेंस जब हुआ तो नेचुरल है उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, यही कहानी सेक्शन 6 कहता है, जिसको रजिस्ट्री का सिद्धांत कहते हैं। रजिस्ट्री का मतलब होता है एक ही सभ्यवार में होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपका रजिस्ट्री कहलाती हैं। फिर हिंदी में पढ़ो इसको, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी, मतलब ऐसे तो कोई इनका वो इश्यू नहीं है, इससे कोई मतलब भी नहीं है, किसी विवादक तथ्य से यदि रेलेवेंट फैक्ट से उसी प्रकार सशक्त है, सशक्त का मतलब ज्वाइंट है, कि वे एक ही सभ्यवार के भाग है, यानी वो आपका ट्रांजेक्शन के पार्ट है। ट्रांजेक्शन को कोई आप उसमें में मतलब, ट्रांजेक्शन का मतलब हो जाएगा कि उस घटना को अंजाम देने वाले जितने भी फैक्ट आपने किए हैं वो उसका ट्रांजेक्शन हो गए। कैसे? वे तथ्य सुसंगत है, सुसंगत का मतलब रेलेवेंट है। अब जैसे मान लो मैं गोरांज को मारना चाहता हूँ और मैं वहां से चक्कू लेकर आ रहा हूँ, तो आप ये सारी कहानी जो है कोर्ट में जा सकती है ना, रेलेवेंट हो सकती है ना, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है ना, आपसे पूछा जाएगा कि सर आए, सर ने गेट खोला, वो भागकर आए, वो भागकर जो है इसको गोरांश को जो है चाकू मार दिया, ये चिल्लाए बचाओ बचाओ, ये भी सर को बुलाने भागे, ये सब क्या है? ये रजिस्ट्री है, ये उस सभ्यवार का, उस क्राइम की कहानी का पार्ट है, उस क्राइम की कहानी को अंजाम देने का पार्ट है, इसी को रजिस्ट्री कहते हैं, इसी को धारा 6 कहते हैं। एक बार फिर पढ़ो हिंदी में, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी,
फैक्ट्स विथ दो डॉट इन इशू, यानी अभी तक तो कोई इशू नहीं है, विवाद नहीं है, उनका कोई लेना देना भी नहीं है, मैं आके चुपचाप यहाँ पर बंदूक लेकर यहाँ पर बैठ जाऊं, क्या कोई तथ्य तो है मेरे पास, बंदूक है लेकिन अभी क्या लेना देना, ले आयोगे सर बंदूक, आज कोई बंदूक लाने की इच्छा होगी, चाकू लाके रख लिया यहाँ पर, अभी तो कोई लेना देना नहीं है ना, अभी तो कोई इसका इश्यू नहीं ना, लेकिन उस चाकू को काम में ले गए, वो चाकू अब क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया, वो एविडेंस बन गया, वो रजिस्टर का पार्ट हो गया, इनको मारने की जो घटनाएं थी वो उसका पार्ट हो गए, तो फिर समझो इसको, जो तथ्य विवाद में होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इसी प्रकार सशक्त है, यानी जुड़ा हुआ है, वो फैक्ट उससे जुड़ा हुआ है कि जैसे वे की सब व्यवहार के भाग हैं, इसको टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी ऑफेंस को गठित करने से पहले, किसी भी क्राइम को अमली जामा पहनाने से पहले, जो जो भी काम किया गया और जो काम उसके जस्ट बाद, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्ट बाद किया गया वो इस सेक्शन से कवर होगा, धारा 6 से कवर होगा। धारा 6 रजिस्ट्रे कहलाती है, एक ही सव्यवहार में होने वाली घटनाओं का साक्ष्य दिया जा सकता है, वो रेलेवेंट है, वो सुसंगत है, वो कोर्ट में जा सकती है, उनको इस तथ्य के लिए प्रूव किया जा सकता है कि पंकज सर ने गोरांश को, इसको देवांश को मारने का प्रयत्न किया या मारा। फिर पढ़ो एक बार, इंग्लिश में पढ़ो पहले, फैक्ट्स विद दो नॉट इन इशू, फैक्ट्स, बोलो एक बार मेरे साथ, फैक्ट्स विद नॉट इन इशू, पहली बात, आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, ठीक है, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तीसरा पॉइंट, एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट, हिंदी में बोलो, जो तथ्य विवादक नहीं है, बोलो नहीं है, जो तथ्य विवादक नहीं है, नहीं है ना, विवादक नहीं है, वो किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, ये लाइन, वो तथ्य किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, जुड़े हुए हैं, इस लाइन को बोलो, वो तथ्य जो, वो तथ्य किसी विवादक तथ्य से, किसी को बोलो, किसी विवादक तथ्य से, किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं या इस प्रकार सशक्त हैं, मानो वे एक ही सव्यवहार का भाग है, यानी मानो कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, वो क्या है, सुसंगत है, वो रेलेवेंट है, उनका कोर्ट में साक्ष्य दिया जा सकता है, उसको ये प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है कि पंकज सर ने इसको अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है मर्डर किया है। क्लियर, एक बार देखो आप, चाहे वे उस समय स्थान पर या विभिन्न समयों के स्थान पर घटित हुए हो, अब समय कोई सा भी हो सकता है, मान लो मेरे पास फोन आ रहा है कहीं से, या फोन आया था सुबह, ठीक है कि साहब इसका मर्डर करना है, या कहीं से आ रहा है, समय और टाइम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका एग्जाम्पल पढ़ो, खै को पीट कर उसकी हत्या करने का कै अभियुक्त है, मैं कै हूं और खै है देवांश, मैंने पीट कर इसकी हत्या कर दी, खै कै या खै या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ पिटाई के समय या उसने इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया, अब देखो कहानी, मैं तो हूं एक्यूज्ड कै, ठीक है, और खै है, ये हो गए आप लोगों, आप खड़े हो, बैठे हो, कहे हो, आप बोलो बचाओ बचाओ बचाओ, कहा आपने, आप दौड़कर भागे, इन्होंने कोई और एक्शन किया, ये बचाने आए, अब ये जो सारी घटना घटित हुई, क्या इनका कोर्ट में साक्ष्य दिया जा सकता है, क्या, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल ये फैक्ट्री इश्यू है, पढ़ो इसको पूरा, चाहे वो लेकिन थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद या उस समय, ऐसा नहीं दो दिन पहले या दो दिन बाद, पिटाई के समय या उसे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया, ऐसे नहीं दो घंटे हो गए, दो घंटे बाद इनका मर्डर हो गया, आपने बोला चिल्लाओ चिल्लाओ बचाओ बचाओ, फिर कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इनको पीटते वक्त या जस्ट इमीडिएट मारने के बाद यदि आपने बोला बचाओ बचाओ, तो ये सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हो गए, और उसने कहा ये रजिस्टर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रजिस्टर में आ जाएगा। अब बताओ सेक्शन 6 क्लियर हुआ कि नहीं, एक केस आया था, क्या था, रटन बनाम क्वीन या कुछ केस था मेरे को जहां तक याद है,
वहां पर एक लड़की का गला काट दिया जाता है, वो अपनी आंट के पास बाहर जाके कहती है, अब कितनी देर बाद जाके कहती है, वो उसमें पता नहीं था, वो बाहर जाके कहती है कि इसने मेरा गला काट दिया। वहां पर न्यायालय उनको रेस जस्टे का सिद्धांत नहीं माना। हो सकता है टाइम काफी देर बाद हो गया हो, यदि तुरंत उस घटना के बाद यदि जाकर आप बोले अब यहाँ पर इनका मैंने मर्डर कर दिया और आधे घंटे तक आप बैठे बैठे हो, फिर आप आधे घंटे बाद जाके बोल रहे हो बचाओ बचाओ, किसका साक्ष्य दोगे आप? आधा घंटा तो गया, आप किसको बचाओ? और मर्डर होते वक्त आपने बोला बचाओ बचाओ, नीचे वाले भी सुनेंगे, बोले यार ऊपर से बचाओ बचाओ, यदि कोई प्रॉब्लम तो है, अभी आप बोलो बचाओ बचाओ, नीचे से लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? और आप आधे घंटे बाद बोलो बचाओ बचाओ, तो बोले आधे घंटे तक तुम क्या कर रहे थे? यानी अब तुम सारे खेल को मैनिपुलेट करना चाहते हो। इसी तरह एक लड़की के साथ मान लो रेप हुआ, ठीक है, उस समय वो बोलती है बचाओ या चिल्लाती है, जो भी वो स्टेटमेंट देती है, जो भी वो बोलती है, वो सब रेलेवेंट है। लेकिन वो 4 घंटे बाद अपने घर पे जाती है और सुबह अपनी माँ को बताती है, क्या ये तथ्य सुसंगत है? क्या नहीं है, क्योंकि तब तक कहानी बदल चुकी होती है। जस्ट उस घटना के जस्ट बाद या इतना टाइम के बाद कि कोई भी इंसान अपने फैक्ट को मैनिपुलेट ना कर सके, तब आपका वो रजिस्टर में आ जाएगा, वो सेक्शन 6 में कवर हो जाएगा। जैसे मेरे को इसका मर्डर करना है, ठीक है, मर्डर करने के लिए मैं जो है चाकू खरीदूंगा, तलवार लाऊंगा, बाइक खरीदूंगा, फिर मैं इसके घर के बाहर जाऊंगा, फिर मेरे को आ जा रहे भैया बाहर, मैं मारूंगा, मैंने इसको चाकू मार दिया, फिर जो है मैं भागा, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया, वो भी बोले बचाओ बचाओ भागो भागो। ये सब क्या है? ये सेक्शन 6 कवर करता है। सेक्शन 6 में आ रहा है, रजिस्ट्री में आ रहा है। तो रजिस्ट्री क्या कहता है? क्राइम शुरू होने से, और क्राइम शुरू होने से जस्ट कुछ देर पहले क्राइम हुआ है उस दौरान, और क्राइम होने के जस्ट कुछ देर बाद, 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 4 घंटे बाद ही, जस्ट कुछ देर बाद जो घटनाएं घटित हुई थी वो आपका रजिस्ट्री में कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रजिस्ट्री कहलाती है। फिर रीडिंग करो इसकी, पकड़ लो इसको। एक ही सब्यवहार के भाग में होने वाले तथ्यों की सुसंगति क्या कहलाती है? सेक्शन 6 में आती है, रजिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको एक प्रिंसिपल दिया रजिस्ट्री, जो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैकबोन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा बैकबोन है रजिस्ट्री। बोलो इस बार इस चीज को, जो तथ्य विवाद में होते हुए भी, पहला पॉइंट, जो तथ्य विवाद में होते हुए भी, जो तथ्य विवाद में होते हुए भी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पर आ जाओ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला भूल भी जाओ तो उसको करोगे आप, किसी विवादक तथ्य से उसी प्रकार सशक्त है, किसी विवादक तथ्य से उसी प्रकार सशक्त है कि वे किसी एक ही सव्यवहार का भाग है। फिर तो आसान है, बोलो 1 2 3 बोलो, आप बिना देखे बोलो। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार जॉइंट है, जो किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, इस प्रकार जुड़े हुए हैं, मानो कि वो एक ही सव्यवहार का भाग है, वो तथ्य रेलेवेंट है, वो तथ्यों का कोर्ट में साक्ष्य दिया जा सकता है। हो सकता है कि वो तथ्य एक समय पे ना घटित हुए हो, एक जगह पे ना घटित हुए हो, ये कहना कोई भी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो रजिस्ट्री का सिद्धांत क्लियर? एक बार बोलो बिना देखे, डेफिनेशन बोलो इसकी। जो तथ्य विवाद न होते हुए भी, यानी इशू में नहीं है अभी तक, तो जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए, मानो कि वो एक ही सव्यवहार के भाग है, कि वो एक ही सव्यवहार के भाग है। कौन सा साइटेशन दोगे? कौन सा इसमें साइटेशन दोगे? रटन बनाम क्वीन का, एक लड़की का गला काट दिया जाता है, वो लड़की बाहर चिल्लाती हुई अपने आंट को कहती है कि साहब मेरा गला काट दिया गया, और उसमें विवादक नहीं माना गया, वो वाला कौन सा था? वो फोन करती है, एक लड़की को पहले फोन कर देती है कि साहब ये
जो है मेरा मर्डर होने वाला है, तो वहां पर उसको रजिस्टे माना गया, उसको रजिस्टे माना गया। क्या हियर से एविडेंस और रजिस्टे में क्या संबंध होता है? क्या हियर से एविडेंस का साक्ष्य दिया जा सकता है? क्या हियर से, मैंने आपसे सुना, मैं बोल दूंगा ऐसे ऐसे हुआ। हाँ हियर से, जैसे आप, मैंने आपका मर्डर कर दिया और ठीक है, इन्होंने इनको सुनाया, तो ये साक्ष्य दे सकते हैं क्या? वो साक्ष्य दे सकते हैं क्या हियर से? में हियर से एविडेंस, हाँ डायरेक्ट हो तो वो हियर से नहीं कहलाएगा। जैसे क्या हुआ कि साहब मैंने ट्रक को देखा, वो नीले कलर का था और बहुत तेज स्पीड से जा रहा था, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने उस ट्रक को, उसके जाते हुए देखा ट्रक को, ठीक है, वहां पर जाकर उसी ट्रक ने आपकी कार को टक्कर मार दी और आपका एक्सीडेंट हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्स वाई जेड, वो बढ़ने वाला था, उसने मेरे को ये सारी बातें बताई, तो मैंने उस ट्रक को जाते हुए भी तो देखा था ना, मैंने उस ट्रक को जाते हुए भी तो देखा था ना। हाँ मैं डायरेक्ट ही वहां पर जाता और फिर वो मेरे को कहता, कहानी सुना देता, तो डाइंग डिक्लेरेशन तो हो जाता, लेकिन वो आपका यहाँ पर कवर नहीं होता। वो डाइंग डिक्लेरेशन तो हो जाता, लेकिन यहाँ से वो कवर नहीं होता है, यहाँ से कवर बिल्कुल भी नहीं होगा। वो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई क्या है और कौन से सेक्शन में है? 11 में है, प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई 11 में है, अन्यत्र होने का। अभी इसको क्लियर करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई पर आ जाइए, 11 पर आ जाइए। आज आपके दो सेक्शन का रिवीजन, दो सेक्शन क्या कहते हैं देखिए आप। प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है देखिए आप। वेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकेम अनरेलेवेंट, कैसे? यदि वे किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी अभी कोई लेना देना नहीं है, यदि वे स्वयं में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी बात है, इसको जनरल शब्दों में कहते हैं, इसका वो देखिए आप। ये तथ्य कि मैं उस दिन लाहौर में था, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न ये कि कहने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया, लेकिन ये आपका प्ली दे दिया जाता कि उस दिन वो लाहौर में था, ये तथ्य रेलेवेंट है, यानी ये किसमें आ गया? प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई में आ गया, अन्यत्र होने का स्थान आ गया। मगर इसका तथ्य देखो, जब ये तथ्य, जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग, जब के उस स्थान से जहां अपराध हुआ था इतनी दूरी पर था, दिस इज इंपॉर्टेंट, इतनी दूरी पर था कि के द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं है, यदि असंभव तो नहीं है, लेकिन अत्यंत अनधि संभाव्य था, यानी लगभग लगभग इम्पॉसिबल था, लगभग लगभग इम्पॉसिबल था, यार ये तो नहीं है कि असंभव हो, लेकिन अब मैं कलकत्ता में लाहौर में आके मर्डर कैसे करूंगा? इसके लिए आपको फिल्म याद है दृश्यम, दृश्यम में जो अजय देवगन काली करता है, वो ये एलिबाई की तो करता है, और करता क्या है? सेक्शन 11 को ही तो बुलाता है, वो बुलाता किसको है? सेक्शन 11 को ही तो कॉल करता है, मैं यहाँ था वहां था, यानी मैं इतनी दूरी पर था, वो ऐसे नहीं कहता मैं 3 घंटे आश्रम में से वापस मेरे घर पे आ गया, वो पूरे दिन को स्पॉइल करता है, पूरे दिन को काम में लेता है वो, तभी तो वो कहता है कि आपका मेरा ये था। जैसे केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या हुआ, एक दूधनाथ पांडे था, वो किसी का मकान, वो एक फैमिली थी जिसमें दो बेटियां थी, एक बेटा था और एक मदर थी, पति की डेथ हो गई थी, तो उसने ऊपर वाला जो मकान किया गया है किराए पे दे दिया। दूधनाथ पांडे को उसकी बड़ी लड़की रंजना से प्यार हो गया जबरदस्ती, लड़की उससे प्यार करती रही थी, वो कहता है मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा, तो उसकी माँ ने बोला, उस लेडी ने बोला कि भैया जा तू इसको जो है खाली कर दे, कहाँ की शादी करेगा तू, तो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने आया है। वो बंदा थोड़ा सा अड़ियल टाइप के था, वो हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगाता है कि साहब रंजना को कैद कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, हाई कोर्ट समन भेजती है उसको, ठीक है, वो कहती है भैया मैं तो मेरी मर्जी से रह रही हूँ, तो वो डिसमिस कर देते, भाई मर्जी से रह रही है तो हैबियस कॉर्पस का क्या लेना देना है। फिर वो जाता है साहब पारिवारिक कोर्ट में, वहां पर जाता है तो वो कॉन्जुगल राइट्स की जो डिक्री है उसको प्रतिस्थापन करवाने की कोशिश करता है कि साहब मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी को दिलवाओ मुझे, अरे कहाँ की पत्नी, शादी थी तो मना कर दी, मैं कोई पति वत्ती थी हूँ, इसको निकालो। फिर क्या करता है वो, एक दिन
उसके छोटे भाई का मर्डर कर देता है कॉलेज के बाहर। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर लेती है तो क्या कहता है कि साहब मैं तो ऑफिस में था, ये देखो मेरी अटेंडेंस शीट और मेरे सारे कलीग से पूछ लो, मेरे सारे कलीग से पूछ लो, ये रही मेरी अटेंडेंस शीट। तो वो मेरे सारे कलीग से पूछ लो, तो वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो वो कहता है भैया तेरे और ऑफिस का डिस्टेंस कितना था? बोले बेली 5 मिनट। तो उसने प्ली ऑफ एलिबाई को खारिज कर दिया कि 5 मिनट में आप अपराध करके वापस आ सकते। तो यही तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके कारण आपका वो क्राइम करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, तभी आपका सेक्शन 11 काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई का सिद्धांत, ये कहता है कि यदि आपका वो क्राइम लगभग लगभग असंभव ही हो जाए तो आपका प्ली ऑफ एलिबाई लागू होगा। लेकिन मैं जयपुर में हूँ और मैं झोटवाड़ा जाकर भी मर्डर करके आ सकता हूँ, तो शायद प्ली ऑफ एलिबाई लागू नहीं होगा। या तो मैं झूठा साबित कर रहा हूँ, आपको कह दो मैं था सर, मैं आपको कह दो मैं सर तो पढ़ा रहे थे, और मैं जाके कहता हूँ मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, आधा घंटा खराब हुआ, आधा घंटे में तो क्राइम करके आ जाओ, आप कैसे कह दोगे सर यही थे? हाँ गए तो जरूर थे, पर थोड़ी देर के लिए गए थे। अब थोड़ी देर कोई और, आप 10 मिनट बोलोगे, आप 15 मिनट बोलोगे, आप मैं तो यही था, तो संभाव्य है ना। लेकिन भाई ये मर्डर करके उदयपुर से आधे घंटे में नहीं आ सकता, तो वहां पर प्ली ऑफ एलिबाई लागू हो सकता। क्लियर एकदम? मजा आया? ऐसे ही रोटेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दो दो का डिस्कशन करेंगे, एक एक का सर पढ़ा देते हैं, एक बेस तैयार हो जाएगा, अपन उस पर डिस्कशन करेंगे और आपका मजबूत हो जाएगा, और नॉलेज को इधर डिस्कशन कर लेंगे और आप मजबूत हो जाओगे। हमें मजबूत करना है, सर बेस दे देंगे, उसके ऊपर अपन एक आधा सेक्शन भी डेली का रिवाइज करेंगे, जैसे पक्का हो जाएगा ना, डेली पक्का हो जाएगा। ये आज संडे का है कि रिवाइज करो, आज मजा आया ना, क्योंकि सर के पास जो टाइम है वो इतना है कि उसमें नॉलेज को बेस दे दिया, फिर उसके बाद जो टाइम बचा वो मैं भी एडवोकेट हूँ तो मुझे भी पता है सारी कार्यक्रम पानी मेरे को, तो आपका बेनिफिट डबल हुआ कि मजा आया कि नहीं आया, चीज से जोड़ने का टाइम मिल गया। और वैसे जो सर पढ़ाएंगे अब रोज का एक सेक्शन भी डिस्कशन करेंगे, पक्का होगा कि नहीं होगा, एक ही करेंगे ज्यादा नहीं, ऐसे पक्का हो जाएगा उसका उदाहरण उदाहरण केस वार किए बार वो डिस्कशन करेंगे तो और बेनिफिट होगा, तो और मजा आएगा और उसमें साउंड होगा। और ये ऐसी चीज है जितना भी साउंड कर लो ना कम है, ये ऐसी चीज है क्योंकि पूरी लाइफ काम आने वाले हैं, और उसको देखते ही लोग धूसते हैं, अरे इससे तो इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको देखते हो अरे यार समझ में नहीं आता, मजा आया कि नहीं आया, वो आप पढ़ते कैसे हो पढ़ाते कैसे उस पर कसारी के लिए डिपेंड है। और डबल फायदा है ना, सर बेस बनाते जाएंगे होते जाएंगे, मैं जीडी करके बातचीत करके क्वेश्चंस करके और आपको मजबूत करेंगे, तो यहाँ पर सफलता खुद चलकर आएगी, हम सफलता के पास क्यों जाएगी, हमें नहीं जाना है, वो चलकर आएगी। चलो और डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए लाऊंगा बढ़िया केस, बढ़िया नॉलेज, यहाँ तक अपडेट कर लेना।